तो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, ठीक ठाक रहते होंगे। तो गाइस यार, मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि यार भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो गाइस यार, उस टॉपिक का नाम है कि हम अपने रिलेशनशिप को कैसे मजबूत बनाए। तो गाइस यार, मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनको आप फॉलो करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहली बात, मेन बात, मैं तुम्हें कितना भी बता दूं यार, कितना भी मतलब कुछ भी बता दूं, जब तक तुम अपने अंदर नहीं सोचोगे कि हमें अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, उसके साथ आगे तक जाना है, तब तक यार, जब तक मैं तुम्हें कितना भी बता दूं यार, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे कि मुझे ये चीज करनी है, तो तब तक कुछ फायदा नहीं है। मैं तो तुम्हें कुछ बातें, मैं तो तुम्हें कुछ सलाह ही दे सकता हूँ यार। तो चलो यार बताता हूँ। सबसे पहली बात, अति, अति का मतलब कि यार हद से ज्यादा। तुम कभी भी जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो, कभी भी उसे हद से ज्यादा मतलब, हद से ज्यादा मतलब कि हद से ज्यादा टाइम मत दो, हद से ज्यादा बातें मत करो, कि मतलब तो हद से ज्यादा तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हद से ज्यादा चीजें मत करो उसके साथ। क्योंकि यार हद से ज्यादा अगर तुम उनको टाइम वगैरह दोगे तो यार, मान लो तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम जैसे तुम उससे हद से ज्यादा बात करते थे, हद से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर ना तुम्हारे पास ना हद से ज्यादा बात बचेगी, ना तुम्हारे हद से ज्यादा टाइम बचेगा, तुम्हारे पास बचेगा तो सिर्फ हद से ज्यादा रोना। फिर तुम्हें रोने के अंदर तुम्हें वो हद से ज्यादा बात याद आएंगी, हद से ज्यादा जो टाइम तुम उसे देते थे वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। तो इसलिए हद से ज्यादा उसे टाइम मत दो अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रिलेशनशिप। चलो भाई, दूसरी बात के अंदर, कभी भी तुम अपने रिलेशनशिप के बारे में शो ऑफ मत करो। देखो यार, जैसे तुम ये तुम्हारे तुम और तुम्हारा पार्टनर है, तुम दोनों के बीच में कोई बात है तो कभी भी किसी तीसरे को मत बताओ, क्योंकि तुम चाहे तुम उसके ऊपर कितना भी भरोसा क्यों ना करते हो किसी तीसरे बंदे के ऊपर, बट उसको मत बताओ, क्योंकि तुम उसको बताओगे तो तुम्हें सोचते हो कि हाँ हमें भरोसा है, वो किसी को नहीं बताएगा, बट एक ना एक दिन उसके मुंह से भी वो बात किसी और के पास जाएगी, और फिर ऐसे ऐसे कर करके वो रिलेशनशिप फैल जाता है। क्योंकि यार जो लड़कियां होती है ना, वो ये सोचती हैं कि हमारा रिलेशनशिप छिपा रहे, बट जो लड़के होते हैं यार, ज्यादातर वो गलती यही लड़के ही करते हैं कि किसी को बता देते हैं, ज्यादा कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, किसी को बता देते हैं कि यार हाँ ये है वो है, शो ऑफ करते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है शो ऑफ करने की। जब तुम उससे प्यार करते हो, वो तुमसे प्यार करता है, बस बात खत्म, दोनों के बीच में रखो ना, तीसरे बंदे को क्यों बता रहे हो, तीसरों को बताओगे तो चौथे के पास जाकर तुम ये बस सोचना कि तीसरे के पास ही रहेगी। नहीं, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी, एक दिन वो तीसरे से चौथे के पास में जाएगा, वो फैलेगी वो बात, याद रखना। तीसरी बात, भगवान को तो मानते होंगे आप सब लोग, प्रेम, प्रार्थना। तुम डेली भगवान से प्रार्थना करो कि यार धन्यवाद भगवान कि आपने इतना अच्छा मेरे को पार्टनर दिया जिसके साथ मैं लाइफ टाइम तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो प्रार्थना डेली करें यार, डेली जब तुम एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसका तुम जिंदगी भर तक रह सकते हो, उसको सारी बातें शेयर कर सकते हो, तो प्रार्थना करना ना भूले यार, सबसे मेन बात है प्रार्थना करना। चलो यार अगली बात, तुम अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने वगैरह तो जाते होगे, तो कभी भी तुम उसके साथ बाहर जाते हो ना, तो हमेशा उसका हाथ पकड़ के चलना। क्योंकि यार हाथ पकड़ के चलने से ना एक अंदर से फीलिंग आती है, फीलिंग बढ़ती है उसके साथ जिसके साथ तुम हाथ पकड़ के चल रहे हो। और यार देखो, हाथ इससे ना देखो यार, तुम्हारा रिश्ता तो मजबूत होगा ही होगा, बट जो तुम्हारी एक दूसरे के लिए फीलिंग होगी वो भी मजबूत होगी, वो भी बढ़ेगी। बाहर जाते हो किसी के हाथ में हाथ डाल के, मतलब वो शर्मा शर्म, देखो यार कभी उसके सामने शर्माना मत, शर्माना एक टाइम पे शर्माना, बट जब तुम बाहर जाओगे तो हाथ हाथ पकड़ के शर्माना मत, क्योंकि यार फिर वो दिमाग में अलग अलग बातें आने लग जाती हैं। तो कभी भी जाओ तो अपने पार्टनर के साथ उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलना। अगली बात, सुबह सुबह उठते हो ना, मिला तो उसके पास फोन, क्योंकि यार जब सुबह सुबह, मैं तो कहूँगा कि सुबह सुबह डेली बात करो उससे, डेली जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो,
क्योंकि यार जो सुबह सुबह जो बात होती है ना, वो ना शाम को होती, ना वो दोपहर में होती, ना वो रात में होती है। सुबह सुबह यार तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, तुम सुबह सुबह उसके पास जाते हो जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम अपना मानते हो। सुबह सुबह हमेशा उससे बात करो और बोलो गुड मॉर्निंग, उसको भी अच्छा लगेगा यार, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, और हमेशा प्यार से बात करो। सुबह सुबह जरूर बात करो यार, मेरा मेन पॉइंट यही है इस वीडियो को, सुबह सुबह उठ के बात करो। इस वीडियो का मेन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, तुम उसे क्या करके बुलाते हो, क्या करके मतलब जैसे कोई नाम से बुलाता है, कोई कुछ भी है, कोई बेबी सोना बाबू कुछ भी करके बुलाता है। तो वैसे मैं बताऊँ, मैं तो अपनी सलाह दे रहा हूँ कि यार तुम उसे जान करके बुलाना। अगर जान करके बुलाते हो तो बहुत सही है, यार नहीं बुलाते हो तो बुलाना, क्योंकि यार जान बोलने में ना एक फीलिंग आती है अंदर से ही। जान जैसे मैं बोलूँ तो मेरे भी यार रोंगटे खड़े हो, क्योंकि यार मैं भी मेरी कोई रिलेशनशिप में इस टाइम नहीं हूँ। जब था एक टाइम पे जब सोचता हूँ तो यार मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यार ये जान वर्ड है ना, ये बहुत यूनिक वर्ड है और दिल से निकलता है, हमेशा किसी के लिए निकलता है ना, जब वो किसी को जान नहीं बोलता, बोलता है दिल से बोलता है यार। तो तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उसे जान करके बोलना जरूर। और हाँ प्लीज कमेंट में मेरे को ये बात जरूर बताना कि तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो तुम उसे क्या बोलते हो, बाबू बेबी सोना, क्योंकि यार जो जान बोलने मजा है ना, ना बाबू में, ना बेबी में, ना सोना में, और जो कुछ भी होता है मेरा बबलू बुल्लू वो पता ही होता है सब। तो भाई इसको तो कमेंट में बताना जरूर कि आप अपने जब प्यार रखते हो तुम उसे क्या करके बुलाते हो। फिर बता रहा हूँ, जान करके बोलना, जान दिल से निकलता है और बहुत फीलिंग के साथ निकलता है। और हाँ दोस्तों, जान बोलना बोलना नहीं है, मानना भी है दिल से, जिसके साथ रिलेशनशिप में हो याद रखना। तो भाई ये थी मेरी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने बताया, कुछ बातें बताई हैं जिससे आप फॉलो करोगे तो यार रिलेशनशिप मजबूत बन जाएगा। यार मैं फिर बता दूँ कि यार जब मैं तुम्हें चाहे कितना भी बता दूँ यार, जब तक तुम दिल से नहीं सोचोगे, खुद नहीं सोचोगे कि यार मुझे अपने रिलेशनशिप मजबूत बनाना है, उसके साथ आगे तक जाना है, जब तक कुछ नहीं होगा, खुद सोचो। हाँ मैंने कुछ बातें बताई हैं, इनको फॉलो जरूर करना यार। और हाँ यार, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो, प्यार वगैरह के रिलेटेड किस चीज़ में फंसे हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हो, तो मैं डीएम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइस कमेंट में जरूर बताना हो जान वाली बात। और गाइस अगर वीडियो अच्छी हो, हाँ यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।